फर्स्ट क्लास आज हम ग्रामर का इस सेशन का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जो कि आपके ग्रामर का है, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैपिटल लेटर क्या होता है बेटा? सबसे पहले कि हम जो आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जो आप ABCD लिखते हैं, उसमें कैपिटल लेटर यानी कि किसी भी शब्द का जो पहला अक्षर आप लिखेंगे, पहला वर्ड लिखेंगे, उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, दूसरा है फुल स्टॉप, यानी कि जब आप सेंटेंस लिखते हैं और जब सेंटेंस आपका ख़त्म हो जाता है तो आप क्या लगाएंगे, लास्ट में एक डॉट लगाते हैं ना, वो है आपका फुल स्टॉप। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या होता है कि जब आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, या आपने बुक में क्वेश्चन लिखा है तो आप पीछे एक साइन लगाते हैं ना क्वेश्चन मार्क का, तो वो होता है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हमें कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है कैपिटल लेटर, कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, एक छोटी सी बात है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का पहला जो वर्ड लिखा जाएगा वो क्या होगा बेटा, उसका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल में लिखेंगे, मीन्स उसको बड़ा लिखेंगे। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस हम लिखेंगे तो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है जो, उसको हम क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। ठीक है, पहले अल्फ़ाबेट को बड़ा करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा रूल क्या है, अगर किसी सेंटेंस में किसी पर्सन का नेम आ जाए, किसी पीपल का नेम आ जाए, एनिमल का नेम आ जाए, प्लेस का नेम आ जाए, ठीक है, किसी पीपल का यानी किसी बॉय का, किसी गर्ल का, किसी मैन का, वुमेन का, अगर नाम आ जाए किसी का, तो हम उसके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है, जो पहला अक्षर है, उसको हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर किसी एनिमल का भी नाम आ जाएगा, सपोज़ करो लॉयन आ गया, तो हम लॉयन का एल को हम कैपिटल लिखेंगे यानी कि बड़ा लिखेंगे। इसके बाद है प्लेस, जैसे कि मैंने बोला आई लिव्स इन रोहतक, तो हम रोहतक का आर जो है बेटा वो कैपिटल लिखेंगे। आई लिव्स इन दिल्ली, तो हम डी का दिल्ली का डी कैपिटल लिखेंगे। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर कहाँ लिखेंगे, जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस का जो पहला अल्फाबेट होगा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही, तो ही इज अ गुड गर्ल, सॉरी ही इज अ गुड बॉय, तो ही का आप एच क्या लिखेंगे, पहला एच कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अगर मैंने बोला दिस इज माई बुक, दिस का जो टी है वो क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी का नाम आ जाए, जैसे नाम है राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम का आप आर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला अल्फाबेट आप कैपिटल करेंगे। इसके अलावा किसी पीपल का नाम आ जाए, किसी मैन का, विमेन का, बॉय का, गर्ल का नाम आ जाएगा, एनिमल का आएगा, या फिर कोई प्लेस आएगा, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली, रोहतक, जयपुर, राजस्थान, है ना, इंडिया, तो आप उन सब का नाम क्या लिखेंगे, नाम का जो पहला अक्षर है, जो पहला अल्फ़ाबेट है, उसको आप कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, एक टॉपिक, दूसरी चीज़ है फुल स्टॉप। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि हमने जो पहला अल्फ़ाबेट है सेंटेंस का या नेम का, आपने कैपिटल करना है, लेकिन जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने बोला राम इज़ ए गुड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बाद हम एक छोटा सा डॉट लगाएंगे ना, वो क्या होगा, उससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है, है ना, इसके बाद हमने और कुछ नहीं लिखना, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एक फुल स्टॉप, एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, वो क्या होगा हमारा फुल स्टॉप। ठीक है, कि जब भी हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, मैंने आपके सामने जो सेंटेंसेस बोले हैं, ठीक है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। जैसे ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। राम इज अ गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप, है ना। द काउ हैज फोर लेग्स, फुल स्टॉप, है ना। तो यानी कि आप जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, इनके बाद एक छोटा सा आप डॉट लगाएंगे, वो क्या है आपका फुल स्टॉप, और क्या बताएगा कि आपका जो सेंटेंस है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब आप दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका तीसरा पार्ट, क्वेश्चन मार्क।
मैंने आपको बताया ना कि जब आपने बुक में देखा होगा ना, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, कि जब भी क्वेश्चन पूछा गया बुक में, है ना, जैसे मैंने आपको कल जो क्वेश्चन आंसर कराए होंगे, तो उसमें क्या मैंने आपको बताया होगा ना कि जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लास्ट में एक साइन लगाते हैं हम लोग, है ना, वो क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क। मीन्स उस साइन से हमें पता चलता है कि हमसे कोई प्रश्न पूछा गया है, यानी कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे आंसर मांगा जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में देखा होगा ना आप लोगों ने कि जब भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे टीचर, तो आप उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, है ना, बोर्ड पे भी देखा होगा, अपनी नोटबुक में, बुक्स में, हर एक जगह है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा कि कैपिटल लेटर्स आपने कहाँ लिखने हैं, फुल स्टॉप आपने कहाँ लगाना है और क्वेश्चन मार्क आपने कहाँ लगाना है। जो भी आपको WH फैमिली पता होगी, WH फैमिली क्या होती बेटा, ऐसे वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हुम, व्हाई, हाउ। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, हुम। ठीक है, जो इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, सब में देखो WH कॉमन है, व्हाट में WH, व्हाई, WH, है ना, तो इन जो वर्ड्स हैं व्हाट, व्हाई, हुम, हाउ, इनसे, वेयर, अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है, उसका क्या मतलब होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया है। आपने अगर लिखेंगे तो आप बुक नोटबुक में लिखेंगे तो भी आप जब ऐसे इन वर्ड से सेंटेंस शुरू होगा तो आप उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क का साइन ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ओके।